2018 में एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी भारत के कंपनीज के बीच, इकोनॉमिक जगत के बीच, और वो न्यूज़ क्या थी? तो एक वर्ल्ड की, यूएस की रिनॉन्ड कंपनी ने इंडिया की एक कंपनी का टेक ओवर किया था, $16 बिलियन इन्वेस्ट किया था एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन लगाई गई थी $20 बिलियन से अधिक, मगर वो कंपनी लिस्टेड स्पेस में नहीं थी और आज भी वो लिस्टेड स्पेस में नहीं है। किस कंपनी की बात मैं कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं तो आइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, थर्सडे के वीकली एक कहानी में मैं आपके सामने फिर से लाया हूं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से कुछ गिनी चुनी कहानियां। और आज की कहानी है एक जबरदस्त कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों की जुबान पे है, क्योंकि कहा जाता है उसे इंडिया की बिगेस्ट डील थी। वो बिगेस्ट डील इन द सेंस 2018 में वर्ल्ड की नामी गिरामी कंपनी यूएस बेस्ड वॉलमार्ट ने इंडिया की एक ई कॉमर्स कंपनी का टेक ओवर किया था। और वो कंपनी कौन सी थी? उस कंपनी का नाम था फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट की जिसकी वैल्यूएशन 2018 में मानी गई थी $20 बिलियन, और वॉलमार्ट ने उसमें $16 बिलियन देके more than 75% का स्टेक ले लिया था। इस डील को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल डील, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो आज भी लिस्टेड स्पेस में नहीं है, प्राइवेट स्पेस में काम कर रही है, मगर फ्लिपकार्ट घर घर में जाना पहचाना एक नाम है, ई कॉमर्स की दुनिया में इंडिया का सबसे बड़ा नाम है, और वो कंपनी का टेक ओवर वॉलमार्ट करती है। क्योंकि इंडिया में वॉलमार्ट को अपने पैर पसारने थे, अमेजॉन ऑलरेडी पैर पसार चुका था, और इसलिए वो डील करता है। मगर फ्लिपकार्ट की इतिहास क्या है, कैसे शुरू हुई थी कंपनी, किसने शुरुआत की थी? तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी कि फ्लिपकार्ट की जर्नी स्टार्ट होती है 2007 में बेंगलोर शहर से। दो इंजीनियर जो IIT दिल्ली के बंदे थे और उस वक्त अमेजॉन में काम करते थे, अमेजॉन बेंगलोर में थे, जॉब करते थे, साथ ही साथ इन दोनों ने मिलके, जिनका नाम सचिन बंसल और बिन्नी बंसल था, दोनों ने मिलके एक कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी का नाम पड़ा फ्लिपकार्ट। इस कंपनी के माध्यम से वो करती क्या थी, तो ई कॉमर्स जगत में छोटे छोटे ऑर्डर्स लिया करते थे, और शुरुआत के दिनों में तो बुक्स के ऑर्डर्स इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, किताब का ऑर्डर ऑनलाइन लेना और उसे उनके घर तक डिलीवर कराना, ये इनका बिल्कुल इनिशियल काम था। मगर धीरे धीरे, और इस कंपनी में पूंजी कितनी लगाई थी इन्होंने, सिर्फ ₹4 लाख, ₹4 लाख से इस कंपनी की जन्म हुई। मगर धीरे धीरे जो जो कंपनी ने अपना पांव पसारा, एक से एक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड के नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स इस कंपनी से जुड़ते चले गए, एक से एक डील होते चली गई इस कंपनी में, और ये कंपनी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करती चली गई। इसने फ्लिपकार्ट के अलावा कितनी सारी कंपनी को एक्वायर किया जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े नाम थे, चाहे myntra.com की मैं बात करूं, क्लियर ट्रिप की बात करूं, और ना जाने कितने सारे कंपनीज, फोन पे की बात करूं, इन सारे कंपनीज को एक्वायर किया और ई कॉमर्स स्पेस में एक बड़ा नाम बना। इंडिया में घर घर प्यार से सामान पहुंचाना इनके वेंडर्स के माध्यम से, इनके सप्लायर्स के माध्यम से, और ई कॉमर्स को रियली जो एक विश्वास अविश्वास रहा करता था लोगों को ई कॉमर्स पे कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे समय पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस मिथ को तोड़ा और एक एक मजबूत धरातल बनाई अपने देश में। 2007 में शुरू हुई जर्नी, और उसके बाद तो फिर और कंपनीज आई, अमेजॉन इंडिया में आ गया, मगर ये कंपनी फिर भी टिकी रही और आगे ही बढ़ती चली गई। 2018 में जब जिसकी मैं बात अभी कर रहा था, जब बड़ी डील हुई जिसमें वॉलमार्ट को इंडिया में इंटर करना था, अमेजॉन भी चाहता था कि इस कंपनी को एक्वायर करे, मगर अल्टीमेटली वॉलमार्ट ने इस बिडिंग को जीता और इस कंपनी को एक्वायर किया। $16 बिलियन पैसे लगाए, और आप अंदाजा कर लीजिए कि एक कंपनी जिसकी लिस्टिंग तक नहीं हुई थी, अगर देखें इनिशियल डेज छोड़ के, तो अभी भी लगातार कैपिटल डिप्लॉय ही कर रही थी कंपनी अपने एक्सपेंशन में, उसके बावजूद भी इसकी वैल्यूएशन $20 बिलियन से अधिक आंकी गई। आज भी ये कंपनी की IPO नहीं आई है, आज भी ये कंपनी प्राइवेट स्पेस में ही काम करता है, लिस्टिंग नहीं हुई है, पब्लिक ऑफर अभी तक नहीं आया,
एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि समवेयर 2022 में ये आईपीओ लेके आएगी अपने देश में। मगर जो इनिशियल डेज के फाउंडर थे, जिनकी मैं बात कर रहा था, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जिन्होंने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की थी, सचिन बंसल ने 2018 में जब वॉलमार्ट आती है तो इस कंपनी से विदा लेते हैं और कंपनी को छोड़ देते हैं। उस वक्त उनका स्टेक इस कंपनी में 5.5% ही था। मगर आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि उस 5.5% के स्टेक के कारण जो वैल्यूएशन उन्हें मिलती है, जो पैसे उन्हें मिलते हैं, जिसकी वैल्यूएशन मानी जाती है मोर देन 6,000 करोड़, यानी 2007 में स्टार्ट हुई जर्नी 4 लाख रुपये से, और 2018 में जब ये कंप्लीट करते हैं और सचिन बंसल निकलते हैं तो उनकी वैल्यूएशन, उनके शेयर्स की वैल्यूएशन मोर देन 6,000 करोड़ होती है। और बिन्नी बंसल अभी भी इस कंपनी में बने हुए हैं, जिनकी स्टेक आज भी 3.25% है और धीरे धीरे कंपनी बहुत आगे जाने वाली है। कई सारे चीज़ों की तो ऑलरेडी लीडर है ये कंपनी और लगातार ई कॉमर्स बिजनेस को सहज और सुलभ बनाते चली जा रही है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना जाने कितने ऐसे स्टोरीज हैं जिसमें एक दो लोगों ने अपने आइडियाज को लेके उसको प्रॉपरली एक्सक्यूट करके एक बड़ा वेल्थ तो बनाया ये खुद के लिए, मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों के जीवन को कितना सहज और आरामदायक बना दिया। ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत अगर हम लोग देखते हैं इंडिया में तो छोटे मोटे पैमाने पे हुए होंगे बहुत सारे, मगर सचमुच में एक बड़ा पैमाना फ्लिपकार्ट ने ही दिया, जिसको निश्चित रूप से और भी आगे बढ़ा रही है अमेजोन जैसी कंपनियों के नाम। तो ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को आप लोगों को पसंद आएगी कि कैसे दो नवयुवकों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की और इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया। और जब भी इंडिया की बात होती है, इंडियन ई कॉमर्स की बात होती है, इंडियन बिग डील की बात होती है, तो फ्लिपकार्ट की बात सबसे पहले होती है। आने वाले दिनों में ऐसी कई सारी कहानियां मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आपको भी किसी कहानी में खास रुचि हो, किसी कंपनी के बारे में रुचि हो, तो आइए हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल करके आपके सामने में उस कहानी को भी ला सकूं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया सचमुच बड़ी विराट है, बड़ी अचरज भरी चीजें होती हैं इसमें। 4 लाख से स्टार्ट हुई जर्नी किस तरह से हजारों करोड़ में परिवर्तित हो जाती है, 4 लाख से स्टार्ट हुई जर्नी किस तरह से इतनी बड़ी एम्पायर बन जाती है, जिसका हमने एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट के रूप में देखा। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।